अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यही आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो विश्वास मत का प्रस्ताव हमने रखा है, सदन से यही आग्रह होगा कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाए। और जहां तक जो विषय उठाए गए हैं, कई तरह के विषय, अध्यक्ष महोदय, आज शुक्रवार का दिन और आपने यह कह दिया, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जो मर्यादा है उसका तनिक भी उल्लंघन हो। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा और समय पर जवाब दूंगा। ये लोग अहंकार में जीने वाले हैं, भ्रम पालते हैं। ऐसा लगा कि महागठबंधन यानी किसका चेहरा, और एक पार्टी के अस्तित्व को नकार रहे हैं। और हमको जो मैंडेट मिला, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, वह काम करने के लिए दिया है, जनता की सेवा करने के लिए दिया था, पारदर्शिता के लिए दिया था। हमने पूरा प्रयास किया, एक तिहाई समय हमने चलाया, कई प्रकार की कठिनाइयां आई, हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर तरह की समस्या को दूर करने की कोशिश की। और गठबंधन धर्म के विपरीत एक पार्टी के द्वारा न जाने कितने वक्तव्य दिए गए, मैंने सबको झेला है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, 15-20 से ज्यादा नहीं मिलने वाला था, 40 तक पहुंचाने वाले हम हैं। और इसके बाद हमने उन लोगों को भी कहा कि आप बीच में हस्तक्षेप करिए और रास्ता निकालिए, क्योंकि जो स्थिति है, जो जनता का वोट मिला है, वो काम करने के लिए मिला है, वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। और जब सारा दृश्य एक एक करके सामने आया तो हमने तो इतना ही कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझसे कहा गया कि आप बताइए क्या एक्सप्लेन करें, हमको जो चार्ज लगा है उसको एक्सप्लेन करिए, जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदु बार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, कानून का सहारा बता रहे हैं। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार का की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह है योग, यह है सेवा, राज भोग के लिए नहीं मिलता है, मेवा के लिए नहीं मिलता है। और जब स्थिति आ गई, मेरे लिए डिफेंड करना संभव नहीं था। जनता दल यू का आज तक, जब से हमने समता पार्टी का गठन किया और आगे जनता दल यू, हम लोगों का एक रास्ता रहा है राजनीति में, और उस रास्ते से हम नहीं भटक सकते। इसलिए हमने समझा कि मेरे लिए अब यह चलाना संभव नहीं है, हमने अपने आप को अलग किया।